खरगोन शहर के कसावत रोड स्थित नवग्रह मेला मैदान पर दो दिवसीय इज्तिमा का आयोजन किया गया। इज्तिमा में जिले सहित प्रदेश भर से काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मौलाना अब्दुल्ला पूना, मौलाना इलियास भोपाल, मौलाना मलिक भोपाल ने अलग अलग सत्रों में दिन के बारे में तकरीर दी। युवाओं, शिक्षित वर्ग के अलावा मूक बधिरों के लिए अलग से बयानात किए। हाजी शमीम जिलानी ने बताया कि इज्तिमा का उद्देश्य इंसानियत को जिंदा रखना, समाज में भाईचारा बना रहे, युवा पीढ़ी इस्लाम के सही मकसद को समझे, उस पर अमल कर शांति भाईचारा रखे। इज्तिमा का उद्देश्य है कि देश दुनिया समझे कि हमारे पैगम्बरों ने इस्लाम की स्थापना कर इस पर खुद अमल कर औरों को भी प्रेरित किया। इसमें समाज के उलेमाओं ने लोगों को दीन की बातें बताई। जिलानी ने बताया कि इज्तिमा से इंसान का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। जब तक इज्तिमा किए जाते हैं तब तक तमाम लोगों का खाना पीना सोना सब यही होता है। इज्तिमा गाह में दाखिल होने के बाद इंसान बाहर की दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब की ओर उन्मुख हो जाता है। यहाँ पांचों समय की नमाजें जमात के साथ यानी सामूहिक रूप से अदा की जाती है। इसके बाद बयानात तथा सीखने सिखाने का दौर सतत चलता रहता है। आखिरी बयान और दुआ मौलाना जफर साहब पूना वालों ने की। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मेहनत है, इस मेहनत से खुद इस्तेकामत होगी। एक चीज तो ये है कि हम सब नियत करें कि इंशाल्लाह दीन के काम को मौत तक करेंगे। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह घर में तालीम का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह, और नमाजों का खास एहतमाम। जमात की नमाज कोई हल्की चीज नहीं है, हर मुसलमान जमात से नमाज पढ़ने को जरूरी समझे। मेरी जमात कभी ना जाए, मेरी जमात कभी ना रहे, इसका एहतमाम किया जाए। अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कुछ लोग आए और कहते हैं कि अम्मी जान ये बताएं कि आपकी आखिरी बीमारी का वक्त कैसा था। तो कहती है जब आप जिंदगी के आखिरी हिस्से में आप बीमार हुए तो आपके मुबारक सर पे पट्टी बंधी हुई है और आप इतने बीमार है कि आप पर बार बार गशी होती है, और ईशा की नमाज का वक्त है और सहाबा मस्जिद में है, अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहे हैं, आपके मुसल्ले पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपको होश आया, आपने फरमाया सल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? लोग कहते हैं हम यंतजिरून कया रसूलल्लाह, आका वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया ज़ौली अल महफिल मिक्सब, मेरे लिए पानी रखो। आपने वहीं बैठ के गुसल फरमाया कि आप में हिम्मत पैदा हो जाए मस्जिद जाने की, लेकिन अपनी जगह से उठने से पहले आप फिर बेहोश हो गए। फिर आपको होश आया, आपने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? कहा नहीं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया दाउली अल महफिल मिक्सब, मेरे लिए पानी रखो। आपने दोबारा गुसल किया, आपने सहबारा गुसल किया। जब आप तीन बार बेहोश हुए तो चौथी बार आपको ऐसा लगा कि आप अपनी जगह से उठ के मस्जिद नहीं जा सकेंगे। आपने फरमाया मुरू अबा बकर अयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मी जान कहती है दूसरे दिन आपकी बीमारी में तकलीफ हुई। आदमी जब बीमार होता है तो इंतकाल से पहले एक सेहत होती है, इंतकाल से पहले जो सेहत होती है इसको मौत की सेहत कहते हैं। आप अच्छे हो गए, अम्मी जान कहती है आप दो सहाबा के सहारे हजरत अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनके सहारे आप चल नहीं सकते थे, आपके मुबारक पैर जमते नहीं थे, आप इस हाल में मस्जिद में तशरीफ लाए। जिंदगी के आखिरी दिन भी आपने जमात की नमाज नहीं छोड़ी, आपने जमात से नमाज पढ़ी और अपनी उम्मत को बताया जमात छोड़ने की चीज नहीं है। छोटे छोटे बहानों से गाहक की वजह
ये इज्तिमा हर साल होता है, लेकिन पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग जगहों पर होता है। जैसा पिछली बार बालसमंद हुआ था, ये लॉकडाउन के बाद फिर अभी इज्तिमा हो रहा है ये। और विगत वर्षों में भी यहाँ पे मेला ग्राउंड के ऊपर इज्तिमा हुआ था। असल में इसका मकसद होता है इंसानियत को ज़िंदा करना, मतलब इस्लाम के अंदर क्या चीज़ है वो सारे लोगों के बीच में आए, जो इंसानियत का सबक देती है और उससे इंसानियत ज़िंदा होती है। उस इंसानियत को ज़िंदा करना इसका मकसद होता है कि लोगों के अंदर रहन सहन के एतबार से भाईचारा पैदा हो और पूरी दुनिया के अंदर जो है पीसफुल दुनिया हो, पूरी दुनिया के अंदर जो है माहौल ऐसा बने बिल्कुल भाईचारे वाला, इसी के लिए ये इज्तिमा होते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इज्तिमा के? इस इज्तिमा में पूरा खरगोन ज़िला इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी एक इज्तिमा और कल गोगावा में कल से शुरू है, कुछ आधा वहाँ कर दिया आधा यहाँ की भीड़ कम हो जाए, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ थी। जैसे धार और महू इंदौर झाबुआ यहाँ के भी कुछ लोग तशरीफ लाए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अपने शहर के लोग थे। तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और यहाँ पर इनका सारा इंतज़ाम भी रहता है, सब अपना जान अपना माल लेकर आते हैं। यहाँ पर जो खाना भी बनाया जाता है वो भी बाकायदा टिकट से होता है, पास होता है उसका, और उसके अंदर भी सब अपने अपने पैसे से अपना खाना खाते हैं। इनका सब इंतज़ाम होता है, इनके नहाने का, इनके लिए वज़ू का, नमाज का सारा इंतज़ाम होता है। ये दो दिन का इज्तिमा के जरिए किस तरह कौम को एक संदेश देना? जी, इज्तिमा के ज़रिए से यही संदेश है कि हर इंसान को इस दुनिया के अंदर रहना आ जाए, कि वो इस्लाम के नियमों को इतना फॉलो करे और अपनी ज़िंदगी में लाने की फ़िक्र करे कि इस्लाम के सारे कानून ऐसे हैं कि जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर चैन अमन सुकून कायम होगा। उसको गलत व्याख्या लोग कर देते हैं, इसकी वजह से इस्लाम सही उनके सामने नहीं आता। असल इस्लाम यही है कि इतना सारा हुजूम है लेकिन बिल्कुल सुकून और चैन के साथ, भाईचारे के साथ सब एक साथ रहते हैं, एक साथ सारे काम होते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती। और पूरी दुनिया के अंदर इन इज्तिमा के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर इस बात को भी जो है पहुंचाना मकसद होता है कि पूरी दुनिया जो है इस्लाम को जान ले कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की जो बायलास है वो क्या है, कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन को लेकर आए हैं वो दीन हर इंसान की ज़िंदगी में उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी से दिखाया कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, बस ऐसी ज़िंदगी सबकी बन जाए, और उन्हीं की ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए ये सारा के सारा दीन होता है। कहाँ से आए थे बयान के लिए? ये यहाँ पर महाराष्ट्र से जमात आई थी और आज भोपाल के भी कुछ मेहमान आए थे, तो पूना के थे कुछ साथी, उन्होंने मतलब यहाँ पर जो है सुबह फजर में भी बात हुई। इसी तरह से इसमें एजुकेटेड तबके के लिए अलग से एक प्रोग्राम हुआ, वो भी सुबह में हो गया था। इसके बाद स्टूडेंट के लिए अलग से एक प्रोग्राम हुआ, इसी के साथ जो गूंगे बहरे होते हैं उनके लिए भी अलग से एक नशिस्त रखी थी, यानी उनके अंदर भी बात हुई, उनको भी दीन को समझाया गया। दुआ भी की गई है चैन, हाँ, और चैन अमन सुकून पूरी दुनिया में चैन अमन सुकून कायम हो जाए इसके लिए अभी दुआ भी हुई, काफ़ी लंबी दुआ हुई, काफ़ी लोगों ने रो रो कर दुनिया के अंदर चैन अमन सुकून और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में और ख़ास तौर से हमारे शहर के अंदर चैन अमन सुकून कायम रहे इसके लिए दुआ की गई। जी, हाजी शमीम जिलानी, खरगोन। Subscribe now to most exciting channel ever.